आ गया एक और बड़ा मुकाबला। इट्स टाइम फॉर इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका इन द सुपर एट्स, एंड ये मुकाबला खेला जाएगा द ग्रॉस आइलैंड, वहां पे बने हैं बहुत सारे रन्स, एंड हम वही एक्सपेक्ट करेंगे वापस इस मुकाबले में, एंड फोकस करेंगे ऑन मिनी जीएल्स, क्योंकि जैसे मैंने कहा स्मॉल लीग्स हम बैलेंस वाले पिचेस पे खेलेंगे, एंड जहाँ पे एक्सट्रीम्स हम देख रहे हैं वहां पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे ऑन मिनी जीएल्स, एंड वाइल मिनी जीएल्स पे आप फोकस करेंगे इंश्योर कि आप ये गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर ले ऑन माई मास्ट 11। आपका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा बोनस कैश ऑन साइन अप, तो जल्दी से जाइए एंड साइन अप करिए क्योंकि 5,000 का फर्स्ट प्राइज है विदाउट एनी एंट्री फी। एंड चलते हैं अब आज के प्रीव्यू की तरफ, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड। मेरी विन प्रिडिक्शन है इंग्लैंड की तरफ, एज मुझे लग रहा है उनकी बैटिंग लाइनअप काफी मजबूत है, एक मैच यहाँ पे खेल चुकी है, तो स्पेशली अगर चेस करेगी तो आई थिंक थोड़ा और एडवांटेज पाकर जाएंगे, बट एक 55-45 वाला गेम होगा, देयर विल बी नॉट मच टू पिक फ्रॉम। इन्वेस्टमेंट लीड बोर्ड चल रहा है माई मास्ट 11 एंड नो लॉस लीग चल रही है ऑन एक्सचेंज 22। अगर आपने साइन अप नहीं किया, दोनों मेरे फेवरेट एप्स है एंड एप्स के लिंक्स है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जल्दी से जाके साइन अप कर लीजिए। अब चलते हैं टैक्टिकल कॉर्नर की तरफ, यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट्स क्या देखेंगे। जैसे आप मिडल ऑर्डर की तरफ जाएंगे एट सेंट लूसिया, बैटिंग कंडीशंस और बेहतर होती जाएंगी, एंड बटलर एंड क्यूडी के रीजा में आपको मिल जाएंगे टू ओपनिंग स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप। सिर्फ जो एक फैक्टर मेरे हिसाब से टेस्टिंग होगा वो होगा रीस टॉपली वर्सेस क्यूडी के एंड रीजा, एज दोनों के साथ हमने देखा है कि स्टार्टिंग में थोड़ी सी उन्हें तकलीफें होती है विद लेफ्ट आर्म पेस, तो लेट्स सी कि वो मैचअप कैसा जाता है। उसके अलावा जैसे मैंने कहा एक गुड बैटिंग पिच, तो वही हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे। रिमेंबर टू ज्वाइन अस एट द रेट फैन ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम, फाइनल टीम्स एंड अपडेट्स आपको। क्लियर वेदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मुकाबले में, तो होपफुली एक पूरा गेम यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। एंड विकेट की बात की जाए तो जैसे मैंने कहा एक बैलेंस विकेट, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बाउंस फॉर पेसर्स, एंड ब्रीज का जो फैक्टर है उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो आपके ट्रेडिशनल मैचअप से उससे उल्टे आप यहाँ पे बॉलिंग मूव्स देखते हो। तो कल आपने देखा रॉस्टन चेज ऑफ स्पिनर बट डाल रहे थे राइट हैंडर्स के सामने, क्योंकि इतनी ज्यादा ब्रीज थी कि बॉल दूसरी तरफ मूव हो रही थी फॉर हिम, तो वो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। बट उसके अलावा आई थिंक बैटिंग पिच है एंड बैटिंग पर ही फोकस बना रहेगा साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड से दोनों टीम्स में। यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ विद नॉट टू मेनी चेंजेस, शामजी काफी रन खा के इन द लास्ट गेम, तो मे बी बैट्समैन यहाँ पे आ जाए इन दैट स्लॉट। उसके अलावा आई थिंक दोनों टीम्स जाएंगे विद सिमिलर लाइनअप्स। चलते हैं टुवर्ड्स टीम साउथ अफ्रीका, एंड यहाँ पे हमारे पहले प्लेयर है क्विंटन डिकॉक, जिनका काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है वर्सेज इंग्लैंड, 28 की एवरेज, एंड सेंट लूसिया में सीपीएल के कुछ मुकाबले खेले थे जहाँ पे अच्छे नंबर है इनके, हेंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इनके लिए एक अच्छा मुकाबला। सिर्फ रीस टॉपली का जो टेस्ट होगा अप फ्रंट, वो अगर उन्होंने पास कर दिया तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इनसे काफी ज्यादा रन। रीजा हेंड्रिक्स का 25 का एवरेज वर्सेज इंग्लैंड, वापस रीस टॉपली विल टेस्ट हिम। हमने ये भी देखा है कि जब क्वालिटी पेस आता है इनके सामने तो थोड़ा सा वहां पे लड़खड़ा जाते हैं, तो मार्क वुड भी वहां पे एक टेस्ट पेश करेंगे, हेंस अभी के लिए मेरे लिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक तो नहीं होंगे बट एक इंपॉर्टेंट पिक जरूर बन सकते हैं इन गुड बैटिंग कंडीशन। एडन माक्रम लास्ट गेम में फाइनली कुछ फॉर्म वापस पाया इन्होंने वर्सेज इंग्लैंड, दो मैच में 103 रन एंड एक विकेट लिया इन्होंने, तो अच्छे खासे रिकॉर्ड, एंड डेफिनेटली बेस्ट टीम में रहेंगे, एक बहुत टैलेंटेड प्लेयर है एंड अपने दिन पे ऐसे बैटिंग पिच पे तो पूरी तरीके से गेम अपनी तरफ ही कर सकते हैं, +6 बॉलर है इस टीम के। ऑनरिक क्लासेन 5 मैचेस 132 रन, एवरेज सिर्फ 26 की बट स्ट्राइक रेट बहुत ही ज्यादा हाई, फॉर्म बहुत ही ज्यादा अच्छा, मेरे हिसाब से एक टॉप कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी पे ये बन के आएंगे इस मुकाबले में। डेविड मिलर लास्ट गेम इनके लिए कुछ खास नहीं रहा है, वर्सेज इंग्लैंड भी इनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है, सिर्फ 20 की एवरेज एट सेंट लूसिया, एक कुछ सीपीएल गेम्स के रिकॉर्ड है 6 मैचेस में 168 रन एंड 161 की स्ट्राइक रेट, तो अच्छा किया है यहाँ पे, डेफिनेटली अगर पहले बैटिंग करते तो आप कंसिडर कर सकते हो, एल्स मुझे पता नहीं कि कितनी अपॉर्चुनिटी इन्हें मिलेगी क्योंकि टॉप ऑर्डर में दोनों टीम्स में काफी स्ट्रॉन्ग बैटिंग। फिर चलते हैं ट्रिस्टन स्टब्स की तरफ, 3 मैचेस में 95 रन, वापस जो इनका बैटिंग नंबर है वो इनके लिए कंसर्न रहेगा, बट जैसे मैंने कहा इन दोनों टीम्स में एक से एक क्वालिटी बैटर्स, तो आप किसको छोड़ोगे दैट विल बी द रियल क्वेश्चन। मार्को यानसेन इनका फॉर्म कुछ खास नहीं रहा है ना, इन्होंने अपनी लाइन ढूंढ लिया, हो सकता है ये गेम में हम ड्रॉप कर दें वो सब उनके लिए हो जाए, बट अभी के लिए तो कुछ फॉर्म में लग नहीं रहे। कगिज रबाडा लास्ट गेम बहुत अच्छा रहा इनके लिए, 8 मैच में 10 विकेट्स ले चुके हैं वर्सेज इंग्लैंड, एंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनके लिए एक अच्छा मुकाबला वापस, क्योंकि अगर ये बड़ा स्कोर डिफेंड कर रहे हैं तो वहां पे वापस विकेट्स इनके लिए आ सकते हैं। एंड्रिक नोकिया 4 मैच में सिर्फ 3 विकेट्स, इंग्लैंड पेस को अच्छा खेलती है तो इतना बड़ा चैलेंज एंड्रिक नोकिया वैसे पेश करके आएंगे नहीं, बट क्योंकि एंड्रिक नोकिया एंड मार्क वुड जैसे बोलर्स के साथ वो एक्स फैक्टर बना रहता है, ऐसे बोलर्स कभी कभार 50 रन देते हैं बट 2 विकेट ले जाते हैं, एंड फैंटेसी वैल्यू आपको विकेट से ही मिलती है, हेंस अभी के लिए बेस्ट टीम में बने रहेंगे।
ऑटनियल बैटमैन पहले बोलिंग करते हैं तो डेफिनेटली इन्हें मैं पिक करूंगा सेकंड बोलिंग में, 50-50 चॉइस, क्योंकि जाने जाते हैं अपनी डेथ बोलिंग के लिए। केशव महाराज 4 मैच में 4 विकेट्स वर्सेस इंग्लैंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, स्पेशली इफ डिफेंडिंग अ स्कोर, बट एक अच्छी बैटिंग पिच है तो बेस टीम में लेना मुश्किल हो जाएगा। तबरेज शामजी 12 मैच में 16 विकेट्स वर्सेज इंग्लैंड, बट लास्ट मैच इनके लिए कुछ खास नहीं रहा, तो लेट्स सी बेस्ड ऑन द कंडीशंस अगर इन्हें पिक किया जा सकता है कि नहीं। सेकंड बॉलिंग में बहुत ही हैंडी पिक, क्योंकि जब आप बड़ा स्कोर चेस कर रहे हो तो रिस्क पिन को आप टारगेट तो करोगे भी, बट वहां पे आप विकेट भी। अब चलते हैं टीम इंग्लैंड की तरफ, एंड यहाँ पे पहले प्लेयर है जॉस बटलर, 481 रन एंड 30 की एवरेज वर्सेज साउथ अफ्रीका, 1 मैच खेला, सेंट लूसिया 25 रन वहां पे मारे हैं, एंड डेफिनेटली एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक बन के आएंगे आपको विद द बैट एंड विद हिज विकेट कीपिंग ग्लव्स, आपको वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी एंड रिस्क मीटर भी उतना हाई नहीं, उतना रिस्क के लेकर खेलते नहीं। फिल सॉल्ट लास्ट मैच में 2 बार ड्रॉप हुए एंड अच्छा खासा खामियाजा भुगतना पड़ा वहां पे वेस्ट इंडीज को, 87 रन मारे वर्सेज वेस्ट इंडीज इन दैट गेम एट सेंट लूसिया था ये। तो ऑफकोर्स बेस्ट टीम में रहेंगे, बट हमेशा एक बात याद रखिए, स्टार्टिंग में एक आध चांस देते ही है आप, विद रबाडा भी देखोगे, विद यानसेन भी देखोगे कि जो एक्स्ट्रा बाउंस उन्हें वहां पे मिलेगा, हो सकता है ये एज कर दें स्लिप में या कीपर के पास, बट अगर वो चांस नहीं लिया गया तो ये इस टाइप के प्लेयर है कि गेम आपका वहीं पे पूरा खत्म करके चले जाएंगे। जॉनी बेस्टो वर्सेस साउथ अफ्रीका, 44 की एवरेज, अच्छे खासे नंबर्स, एंड एट सेंट लूसिया भी अच्छा खासा इन्होंने काम किया है, तो डेफिनेटली बेस्ट टीम में एक जगह ये पा सकते हैं। मेरे हिसाब से एक जो चीज इनके लिए कंसर्न बन सकती है वो ये है कि अगर ओपनिंग पार्टनरशिप ठीक ठाक बन गई तो अंडर प्रेशर या आके एक आध रैश शॉट खेल सकते हैं, एंड साउथ अफ्रीका की बॉलिंग काफी हाई क्वालिटी है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वहां पे नहीं बिल्कुल अटैक करेंगे। लास्ट कुछ गेम्स के अलावा इनका फॉर्म पहले वहां पे कुछ खास रहा नहीं है, लास्ट कुछ गेम से काफी फ्रीडम से बैटिंग कर रहे हैं। हैरी ब्रुक ऑफकोर्स नहीं खेले हैं पहले वर्सेज दिस टीम और एट दिस वेन्यू, बट ठीक ठाक फॉर्म में चल रहे हैं एंड डेफिनेटली अ पिक वर्थ कंसिडरिंग, स्पेशली अगर पहले बैटिंग करते हैं ना बड़ा स्कोर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। मोइन अली 11 मैचेस 188 रन एंड 9 विकेट्स, तो नथिंग टू टॉक अबाउट एज नथिंग टू टॉक होम अबाउट रादर, एवरेज काफी खराब विद द बैट एंड विद द बॉल भी विकेट्स एक आध लिए, बट प्रॉब्लम वही हो जाती है ऐसे प्लेयर्स के साथ, अगर 20 रन मारे एंड एक विकेट ले लिया तो फैंटेसी वैल्यू के हिसाब से आपका काम वहां पे बन जाएगा, हेंस नॉट अ इजी लीव। लियम लिविंगस्टन 6 मैच में सिर्फ 70 रन, एंड एट सेंट लूसिया लास्ट गेम में 20 रन खा के 1 विकेट इन्होंने लिया था। अभी के लिए बेस्ट टीम में जगह नहीं मिलेगी, बहुत सारे क्वालिटी ऑप्शन हमारे सामने करंटली। सैम करन इनके भी मैचअप्स कुछ खास नहीं, वर्सेस साउथ अफ्रीका 6 मैच में 3 विकेट सिर्फ लिए इन्होंने एंड जस्ट 20 रन, एंड सेंट लूसिया में भी 1 विकेट इन्होंने अब तक लिया नहीं है, एंड अभी के लिए आई डोंट थिंक कि आप इन्हें बेस्ट टीम में वहां पे फिट कर पाओगे। जोफ्रा आर्चर 3 मैच में 2 विकेट्स एंड 1 मैच में 1 विकेट एट सेंट लूसिया, सो ऑफकोर्स क्वालिटी बॉलर है एंड मेरे हिसाब से पहले या सेकेंड बॉलिंग दोनों सिनेरियोज में मेरे टीम में रहेंगे। आदिल रशीद 15 मैच में सिर्फ 11 विकेट्स वर्सेस साउथ अफ्रीका, इनके सामने होगा डेविड मिलर वाला फैक्टर, अगर डेविड मिलर सेटल हो गए तो वो शॉर्ट शॉर्ट बाउंड्री वहां पे टारगेट करेंगे, सेम फॉर क्विंटन डिकॉक, तो हेंस ये गेम मेरे हिसाब से आदिल रशीद बेस्ट टीम में नहीं रहेंगे, बट अगर आपको लग रहा है बड़े स्कोर में यहाँ पे वो कुछ विकेट्स ले रहे हैं तब आप ट्राई कर सकते हो, बट बेस्ट टीम में मेरे हिसाब से मुश्किल होगा। मार्कवुड जैसे मैंने कहा विद एक्स्ट्रा पेस आपको वो एक्स फैक्टर मिल जाता है, लास्ट ओवर में भी आके लास्ट 2 बॉल पे 2 विकेट ले जा सकते हैं, आपका गेम वहीं पे खराब हो जाएगा, एंड मार्कवुड एंड एनरिक नोके जैसे बोलर्स के साथ मैं ज्यादातर फिजिट नहीं करता एंड बेस्ट टीम में मेरे रहेंगे। रीस टॉपली 6 मैच में सिर्फ 2 विकेट्स साउथ अफ्रीका, तो रिकॉर्ड कुछ खास नहीं, एंड मेरे हिसाब से अगर इन्होंने पहले एक दो ओवर में वहां पे क्विंटन डिकॉक या रीस एंड्रिक्स को परेशान नहीं किया तो फिर एक और एक लंबा दिन हो सकता है फॉर रीस टॉपली। तो ये हुए हमारे आज के पीक की प्लेयर्स, आप समझते हैं आज की फैंटेसी टीम में बेस्ड ऑन दिस डेटा आप कैसी टीम बना सकते हो। एंड बिफोर दैट 2 की मैचअप्स टू वॉच आउट फॉर, क्विंटन डिकॉक वर्सेज मोइन अली 65-46 एंड 4 बार आउट हुए, एंड बेस्टो वर्सेज महाराज 29 ऑफ 29 एंड 2 बार आउट हुए, तो 2 इंटरेस्टिंग मैचअप्स, दो जो बॉलर्स के बारे में ज्यादा बात नहीं होगी बट ये 2 बॉलर्स बना सकते हैं अच्छा खासा इम्पैक्ट, तो बनाते हैं आज की हमारी फैंटेसी टीम। वी स्टार्ट विद द कीपिंग सेक्शन, जॉस बटलर, ऑनरिक क्लासन, क्विंटन डिकॉक एंड फिल सॉल्ट, आपको चारों को लेके जाना पड़ेगा जिस तरीके की बैटिंग फॉर्म में ये चल रहे हैं, हेंस अभी के लिए चारों मेरे टीम में एक जगह ढूंढेंगे। फिर है यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में जॉनी बेस्टो, बेस्ट फॉर्म में यही लगे हैं फ्रॉम ऑल द अवेलेबल ऑप्शन, हेंस अभी के लिए उनके साथ जा रहा हूँ। इन दी ऑलराउंडर सेक्शन एडन माक्रम, मोइन अली, दोनों के पास साथ में क्यों जा रहा हूँ मैंने प्लेयर कार्ड में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, तो वहां जाके बिल्कुल देख लीजिएगा। उसके अलावा
बाकी प्लेयर्स के पहले इंश्योर की यू रिमेम्बर टू ज्वाइन अस एट द रेट फैंटेसी क्रिक प्रो ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम। फाइनल टीम्स एंड अपडेट्स आपको वहीं पे मिलेंगी, तो कोई भी चेंजेस होंगे वो मैं आपको वहीं पे बता दूंगा। अब बनाते हैं हमारी आगे की टीम एंड समझते हैं कौन से होंगे और इम्पोर्टेंट प्लेयर्स। बोलिंग सेक्शन से एनरिक नोकिया, कगिजो रबाडा, जोफ्रा आर्चर एंड मार्क वुड होंगे मेरे इंपॉर्टेंट पिक्स। तो बेस्ड ऑन जो हमने प्लेयर कार्ड में डिस्कस किया, यही प्लेयर्स होंगे आपके लिए की ये चारों होंगे इनके सबसे इंपॉर्टेंट पेसर्स एंड काफी पेस है इवन इन 3 out of 4 ऑफ दिस प्लेयर्स। तो अभी के लिए ऐसी लग रही है हमारी फैंटेसी टीम। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए, आपको सेफ जाना है तो आप जा सकते हैं विद जॉस बटलर एंड क्विंटन डिकॉक, दोनों आपको कीपिंग एंड बैटिंग वैल्यू दोनों देकर जाएंगे। एंड उसके अलावा चेंजेस कौन से होंगे आपके रिस्की ऑप्शन, ये समझते हैं विद आर रोटेशंस। तो पहली चीज, रीस टॉपली को अगर आप बैक कर रहे हैं तो उस जीएल टीम में वहां पे आप ड्रॉप कर सकते हैं क्विंटन डिकॉक को, क्योंकि जैसे मैंने कहा उनका मैचअप है काफी बड़ा। उसके अलावा फिल सॉल्ट भी देते हैं अर्ली चांसेस, तो मार्को यानसेन या केशव महाराज ऐसे बोलर्स को जब भी आप बैक कर रहे हो तो उस सिनेरियो में आप फिल सॉल्ट को हटा के यहाँ पे जा सकते हो विथ मार्को और केशव महाराज। और विथ एज फार एज बटलर एंड क्लासन आर कंसर्न, वाइल उनके आउट होने के चांसेस इतने आसान नहीं क्योंकि काफी समझदूत से खेलते हैं प्लेयर्स एंड इतने ज्यादा मैचअप्स इनके हैं नहीं। बट एक बात याद रखिए कि इन दोनों में से जो भी सेकंड बैटिंग करेगा उन पे चेज का प्रेशर जरूर बन के आएगा, तो जो भी सेकंड बैटिंग करे आई थिंक उन पे चांस लेना कुछ टीम्स में तो बनता है। बैटिंग सेक्शन में से आई थिंक आपके पास बहुत सारे क्वालिटी ऑप्शंस है, आप सारों को रोटेट करिए जो भी पहले बैटिंग करता है स्पेशली, क्योंकि कोई भी आके यहाँ पे एक बड़ी पारी खेल सकता है। उसके अलावा बॉलर्स एंड ऑलराउंडर्स हम इम्पोर्टेंट ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑल इन ऑल ऐसे लग रहे हैं हमारे ग्रैंड लीग ऑप्शन। लोस लाइक डार्क हॉर्स पिक, तबरीज शाम जी बोलिंग सेकंड, रीजा हेंड्रिक्स इफ इज बैटिंग एंड ग्रैंड लीग सीवीसी ऑप्शंस, बैटिंग फर्स्ट बोलिंग सेकंड रबाडा एंड महाराज, बैटिंग सेकंड बोलिंग फर्स्ट डिकॉक एंड आर्चर, एंड सभी सिनेरियोज में यहाँ पे बटलर नॉकिए एंड मार्क वुड होंगे आपकी इंपॉर्टेंट चॉइसेस। आई होप आप सभी को ये प्रीव्यू पसंद आया हो। रिमेंबर टू ज्वाइन अस एट द रेट फैंटेसी क्रिक प्रो ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम फॉर द फाइनल टीम्स एंड अपडेट्स। एक्सचेंज 22 पे मैच करेंटली लाइव नहीं है, हेंस अभी के लिए डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, बट मैं आपको जरूर शेयर कर दूंगा ऑन टेलीग्राम अगर मैं कोई पिक स्पेशली ले रहा हूँ ऑन Exchange 22। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट रखा है प्रीव्यू क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट था जल्दी से आपके साथ डिस्कस कर लिया। जल्दी मिलेंगे एक और प्रीव्यू के लिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।